अस्सलाम वालेकुम लजीज दोस्त खान, मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदी। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की कतली। इसे बनाना बहुत इजी है, घर में कम सामान में बहुत ज़्यादा सा बन जाता है ये। इसे बना के कुछ दिनों के स्टोर भी किया जा सकता है। बरसात के मौसम में इसे बनाइए, खाइए, मज़े लीजिए। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम सूजी, ये मोटी वाली सूजी है। एक कप ये ड्राई वाला जो गढ़ी आता है वो है, इसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और हमें चाहिए घी, 100 ग्राम घी है ये, और ये 150 ग्राम गढ़ी है। इस तरह से ग्रेट कर लेना है। और ये कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, देख लीजिए, ये मैंने थोड़ा ही लिया है, हाफ कप है ये। और ये है 1 टीस्पून है ये रोज़ वाटर, आप चाहे तो डालिए या ना डालिए, आपकी मर्ज़ी। जितना हम सूजी लेंगे उतना ही हम चीनी लेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 200 ग्राम सूजी है, तो ये 200 ग्राम चीनी है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा रखा है, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब यहाँ सूजी को थोड़ा भून लेना है। सूजी को पहले अच्छे से चाल लीजिए, कुछ गंदगी होगी वो सूजी में से निकल जाएगी। सूजी को चालना बहुत ज़रूरी होता है, और बरसात में सूजी बहुत जल्दी ख़राब भी जाता है, इसलिए कम लें, स्टोर करके बिल्कुल ना रखें। यहाँ पर सूजी को कंटिन्यू चलाते रहना है, रुकना नहीं है, वरना सूजी जल जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का पसंद करते हैं कतली। मैं बोलूँगी सूजी को थोड़ा सा ज़्यादा भून लीजिए, कतली का टेस्ट जो आता है बहुत ही अच्छा आएगा। कम भूनेंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। इसे भूनने में 4 से 5 मिनट लगेगा हाई फ्लेम पर। देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इस तरह सूजी भून लेंगे तो बहुत अच्छा कतली बनेगा। जितना हम चीनी लेंगे उसका हाफ पानी लेंगे चाशनी के लिए। परफेक्ट कतली बनाने के लिए 2 तार की चाशनी बहुत ज़रूरी होती है। इस कप से 1 कप चीनी था, अब मैं डाली हूँ 1/2 कप पानी। 200 ग्राम चीनी था ये, ग्राम से देखेंगे तो 200 ग्राम चीनी था। जितना सूजी रहे उतना ही चीनी रहे। चीनी को बीच में 1-2 बार चला लें। आप यहाँ पर चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, मैंने रोज वाटर डाला है। इसे चला ले 1-2 बार, हमें बस 2 तार की चाशनी चाहिए। मैं येलो फूड कलर यूज करूंगी, आप चाहे तो ना भी करें। इसे एक बार चेक कर लेते हैं, इस तरह से प्याला में डाल के गर्म में काफ़ी। देखिए अभी ये 1 तार का चाशनी है, 2 तार नहीं आ रहा है। अब एक प्लेट लें, उसमें थोड़ा सा घी लगा दें। घी से ग्रीस करने से क्या होगा, अब बहुत इजी निकाल लेंगे कतली को। मैं हम डाली फूड कलर,
अब इसे एक बार और चेक कर लेते हैं। दो तार होने शुरू हो गया, यानी कि चाशनी कंप्लीट हो गया है। अब इसे मिलाएंगे सूजी। ये सूजी, नारियल, ये रोज वाटर, इसे अच्छे से मिला लेना है। अब मिलाना है घी, ये ड्राई फ्रूट, अब इसे चला लें। जब ये कुछ कढ़ाई छोड़ने लगे तो इसे प्लेट में निकाल देना है। ये देखिए कढ़ाई छोड़ना शुरू हो गया है। अब इसे निकाल लेना है, इसे प्लेट में निकाल लेना है। अब इसे गर्म ही इस तरह से फैला लेना है। अब हम इसे होने देते हैं थोड़ा सा ठंडा, हल्का सा गर्म रहेगा तभी इसे काट लेना है। हल्का सा ठंडा होने लगे तो इस तरह से कट लगा दीजिए कतली की तरह। जब पूरी तरह ठंडी हो जाए तब इसे निकालिए। अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। हल्का सा निकालिए, देखिए इस तरह से। देखिए मैं आवाज़ भी दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से बनाइए। ये अंदर से खस्ता भी है, बाहर से थोड़ा सा हार्ड भी है। ये बनाने में बहुत इजी है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे को दीजिए, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। दो तार की चाशनी रखिए, जैसे दो तार आ जाए आप तुरंत डाल दीजिए सूजी को। अगर लेट करेंगे तो आपका सूजी बिखर जाएगा, फिर वो इस तरह से नहीं बन पाएगा, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके अब आराम से 10-12 दिन खा सकती हैं, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा पड़ा हुआ है इसलिए ख़राब जल्दी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, देख लीजिए। बस बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।